अच्छे ही होंगे। अब आप लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपकी नोटबुक्स और बुक्स जब मैंने इसमें चेक की तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड हो गए हो, पढ़ाई के प्रति आप लोगों का मन लगने लगा है। आप सभी के मम्मी पापा आप लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई करवाने में। अच्छा है बेटा, आप लोगों को रोज़ एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करना है और हर सब्जेक्ट को याद करना है और राइटिंग वर्क भी अच्छा रखना है सभी को, क्योंकि अब एग्ज़ाम आएगी ना फर्स्ट टर्मिनल, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। उसके लिए तैयार कैसे होना है बेटा, हम सब पहले से रोज़ हर एक चैप्टर को दो बार रिवाइज करोगे। क्या करोगे, रोज़ आपको हर चैप्टर का रिवीजन करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो आप लोगों को अच्छे से वो याद हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम पार्ट 3 हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मात्राएं। कल मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था कि मात्रा किसे कहते हैं। क्या समझाया था मैंने आप लोगों को कि मात्रा किसे कहते हैं, या मात्रा की परिभाषा क्या है। क्या है मात्रा, स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। किसे कहते हैं मात्राएं, स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। और हमारे स्वर कौन से होते हैं बेटा, हमारे स्वर आ से लेकर आहा तक के होते हैं। कहाँ तक के होते हैं हमारे स्वर, आ से लेकर के आहा तक होते हैं। लेकिन जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। आ और आहा ये स्वरों की गिनती में नहीं आते हैं स्वर, लेकिन ये स्वरों की गिनती में नहीं आते, ये अयोग्यवाहा है। क्या है, ये अयोग्यवाहा कहलाते हैं ये दोनों। अगर आपसे पूछे कि अयोग्यवाहा कौन से हैं, तो है ना, तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें 11 में हमारे अम और आह स्वरों की गिनती में शामिल नहीं होते हैं। आगे बात समझ में, तो जो हमारे अम आ से लेके आह तक के स्वर हैं उनके निश्चित चिन्हों को क्या कहा गया है, मात्राएं कहा गई है ना। जैसे ये कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या ही है, आ और इस आ के अलावा
आ के अलावा सभी स्वरों के निश्चित चिन्ह हैं, इन्हें ही हम मात्राएं कहते हैं। अब राम में मात्रा कहाँ रहती है, पहले ही समझा दूंगी। राम में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, बीच में। राम में यहाँ पर हम तो उसकी छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे, तो राम में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बिना उंगली वाली ऐसी मात्रा लग जाएगी, और जब राम में हम बड़े ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो ये राम बीच में लगेगी और ऐसा छोटा सा डंडा सा निकल करके उसको ऐसे उंगली ऐसे हो जाएगी। तो ये तो हमारे छोटे ऊ की मात्रा की पहचान है, ये हमारे बड़े ऊ की मात्रा। इस तरीके से हम मात्राओं को पाठ के बारे में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब चैप्टर थ्री का पेज नंबर आप लोग देखो 77, मात्रा लगा करके शब्द पूरा करो। उसका तीसरा पॉइंट है मात्रा लगा करके शब्द पूरा करो। अब हमको इनमें मात्रा लगानी है, इन शब्दों को जो हमने लिखा है इन शब्दों पूरा करना है। ये शब्द लिखे हैं लेकिन ये बिना मात्रा के लिखे हैं, है ना, लेकिन ये पढ़ने में अजीब से लग रहे होंगे। जब हम इनमें मात्रा लगाएंगे और इनको लिखेंगे तो ये हमारे सही शब्द बन जाएंगे। देखो ये क्या लिखा है, प ल पल। अब हम मां में बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, फूल। क्या हो जाएगा ये, मां में बड़े ऊ की मात्रा फूल। दूसरा क्या लिखा है, का में आगे मात्रा का, काट। देखेंगे क्या है, कोट। का में ऊ की मात्रा कोट, कोट, है ना। अब ये क्या है, रल। तीसरे नंबर पे क्या लिखा, पहला हमारा हो गया फल, फल का हो गया फूल। मात्रा लगा थी काम क्या, काम में आगे मात्रा लगी थी, और पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा था, लगा था इसमें ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया, काम में ऊ की मात्रा कोट, कोट। अभी क्या है, रल। अब रल कोई शब्द हो जाएगा, राम में एक की मात्रा रे लु। क्या हो गया, राम में एक की मात्रा रे लु, रे लु। फिर बा, बा में कोई लगी, कोई मात्रा लगी कि नहीं लगी ना, बल, बल हो गए। क्या है, पढ़ने में क्या रहा, बल। हमको लिखना है बै, बै। क्या लिखना है, बै। तो बा में आई की मात्रा बाए पूरा कर दिया। ठीक है, अब आ रहे हैं हम इधर से बनाएंगे। क्या लिखा करेंगे, क छु आ, कछुआ। क्या लिखा रहा, क छु आ। अब हमको क्या लिखना है, क छु आ। क्या लिखना है हमको, क छु आ। हम कछुआ कैसे लिखेंगे, क जहाज, है ना। अब जहाज हमको लिखना है, अब आप सोच रहे हो कि जहाज ही तो लिखा है, लेकिन ये जहाज पूरा नहीं लिखा है।